घंटे में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मैंने क्लाइम करी और मैं भारत की पहली महिला थी। ये जो गुड़िया है रीना भट्टी बाल गांव की, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे सुतरे सुतरे काम करेगी सुतरे। और ये हमारी बड़ी बहन है, हमें इसे मोटिवेशन मिलती है। पूरे गांव की तरफ से रीना का सम्मान बहुत सबने तैयारी लगा है। पूरा गांव की लड़की है। अतिशोक्ति ना हो तो इस गुड़िया को विश्व विजेता भी कहा जा सकता। मेरे थोड़ा भावुक भी हूँ मैं, मतलब थोड़ा गांव का नाम बड़ा कर दिया सारा गांव। सब गांव पूरी तरह से इस लड़की के साथ कामना कर रहे हैं आपके इस मिशन में। बहन है ये हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि बेटियां हमारे देश का बालक का नाम ऊंचा करने कामना करते हैं। गुड़िया ऐसी सफल हो। हम एवरेस्ट और एक धौलागिरी दोनों को कवर करने जा रही है। बड़ी खुशी है, हमारी शुभकामनाएं बेटी के साथ हैं। योग्य उपस्थित सदस्य, पिता तुल्य बुजुर्गो, नौजवान साथियों, माता तुल्य नारी शक्ति, आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसका एक विशेष कारण ये है कि हमारे बीच में एक ऐसी वीरांगना जो इस मिट्टी में पली है और एक अच्छी उपलब्धि करने के लिए संघर्षशील है। उस संघर्ष के अंदर हमारा भी कुछ सहयोग बनता है, जैसा जिस प्रकार का हम सहयोग कर सके हमारा फर्ज बनता है, तो उसके लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। तो मैं पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। उसके बाद मैं उनसे कहूँगा कि दो शब्द अपने बारे में कुछ बताएं यहाँ जो उपस्थित है सभी को। रीना भट्टी आ बेटे। रीना आप सभी को मेरे नमस्ते। और मेरे थोड़ा भावुक भी हूँ मैं, मतलब थोड़ा, क्योंकि मेरा बचपन से ही नौवीं क्लास तक मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ गांव के स्कूल में। उसके बाद हिसार पापा का काम था तो हिसार में शिफ्ट हो गए, तो एक बहुत लंबा गैप हो गया, गांव से टच थोड़ा कम हो गया। पिछले साल मैं गांव में आई थी और अच्छा लगा कि मुझे, मैंने जो भी गांव से सपोर्ट मांगा वो मिला और आज आप सबके बीच में हूँ, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी भावुकता है। और बड़ा दिन इसलिए है कि मेरे पापा भी साथ में हैं और सारे दादा दादी चाचा भाई मेरे सब आप हो साथ में, तो कहीं ना कहीं एक मजबूती भी मिल रही है। जब मैंने माउंटेन शुरू किया था तो पापा का ट्रैक्टर मैकेनिक का काम है, तो इतना नहीं था कि फाइनेंशली इतना कुछ कर पाऊँ, बट ठीक था कि ये था कि कुछ तो करूँगी अपनी ज़िंदगी में। और वो करते करते एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया, 24 घंटे में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मैंने क्लाइम करी और मैं भारत की पहली महिला थी। तीन स्टेट रिकॉर्ड भी बनाए जिसमें हरियाणा की मैं पहली महिला रही हूँ, 70 घंटे के अंदर 6000 की दो पीक क्लाइम करी और 2023 में पिछले साल एवरेस्ट पे गई थी मैं, लेकिन सिर्फ 50 मीटर की वापस आना पड़ा था मेरे को, क्योंकि आपको पता है 7000 के बाद में ऑक्सीजन नहीं होती ऊपर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है साथ में। मेरे शेरपा ने डिसीजन लिया था कि 200 से 250 लाइन लगी हुई थी लोगों की, और एक सिलेंडर अगर हम लेके जाते हैं तो उसमें सिर्फ 6 घंटे निकलते हैं, और वो 6 घंटे मैं सबमिट करके आती और फिर जो दूसरा सिलेंडर पड़ा था तो उसमें कम से कम 7 से 8 घंटे लगते, और 2 मिनट भी बिना ऑक्सीजन के आप नहीं रह सकते वहाँ पे। तो उसने जो भी डिसीजन लिया मैंने मान के मैं वापिस आ गई, क्योंकि माउंटेन में हमेशा सिखाया जाता है कि जान है माउंटेन तो वहीं रहेंगे, पहाड़ों का कुछ नहीं बिगड़ना। अगर मेरे को कुछ हो गया तो फिर मैं दोबारा कभी क्लाइम नहीं कर पाऊँगी। तो जो भी वो आदेश दिया मैंने उसका पालन किया और मैं वापिस आई। फिर ये हो गया कि इतना कुछ 3-4 साल में जो भी पैसा इकट्ठा किया, आप मतलब आपकी तरह ही सपोर्ट किया, मतलब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, सब मैं पहले भी गई तो आपकी मदद से ही गई। फिर लगा कि अब क्या करूं, 2-2.5 महीने सोचती रही कि कैसे करूंगी ये सब कैसे करूंगी। फिर दोबारा किया कि नहीं करना तो है, बीच में तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि देखो आज मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो सपना देखती हैं और फिर नहीं पूरा होता। और
एक जब समाज इकट्ठा होता है ना, तो फिर उस लड़की का अकेले का सपना नहीं होता, फिर समाज में उन सब लड़कियों का होता है। और कहीं ना कहीं वो हौसला देना जरूरी होता है हमारे समाज में, कि अगर मैं रुक गई तो फिर मेरे पीछे कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो ये सोचती होंगी कि आज वो इतना कर रही है तो मैं भी करूं, और मैं रुक गई तो फिर मतलब उनका भी सपना टूट जाएगा। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अभी तो करना है ये। अक्टूबर में मैं गई, एवरेस्ट से ज़्यादा टेक्निकल पीक, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ, वो तो चलो कुदरत के सामने हम नहीं जीत सकते, और उसी वजह से मैं वापस आई। फिर अभी अक्टूबर में आमा डाबलम एक नाम की पीक है, जो दुनिया के अंदर तीसरी टेक्निकल पीक है, एवरेस्ट से ज़्यादा टेक्निकल है, वो मैं क्लाइम करके आई। तो अपने हरियाणा में तो अभी तक मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने वो क्लाइम करी, तो वो भी एक स्टेट रिकॉर्ड ही था, और वहाँ से हौसला भी मिला। तो फिर जैसे तैसे करके चल ही रहा था, और फिर मैं अनिल भैया से मिली। अनिल भैया को बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, कि मेरे का फंडिंग का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एक एवरेस्ट करने में 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा है, और अब जो मैं करने जा रही हूँ वो दो पीक करने जा रही हूँ, एक दुनिया की सबसे 7वीं ऊंची चोटी माउंट धौलागिरी, और माउंट एवरेस्ट जो मैं 50 मीटर से रह गई थी तो वो भी मैं पूरा करने जा रही हूँ। तो भैया ने बोला ठीक है, हम गांव से बात करते हैं, और आज आप सबको, पहले तो मैं ये बोलती थी, मैं अभी आते आते ही बोल रही थी पापा को कि पापा जो मुझे गांव से सहयोग और प्यार मिल रहा है ना, यही आशीर्वाद मेरे को 2 साल पहले भी चाहिए था, और आज जब साथ में खड़े हैं ना तो मेरे हौसले आज बुलंदी पे हैं। कल मैं बलवान मिस्त्री की लड़की थी, आज मैं पूरे गर्व से बोल सकती हूँ कि आज मैं गांव बालक गांव की बेटी हूँ। और आगे जो भी होगा, जो भी आप आदेश दोगे, आज सब बैठे हैं, छोटा बड़ा भाई बहन, मेरे पापा भी, आज मैं ये कहती हूँ कि इस गांव में जो भी कोई मुझे आगे जो भी बोलेगा, मैं आपके समक्ष हमेशा हाजिर रहूँगी जब तक मैं जिंदा हूँ। बस आप यूं ही मेरे सिर पे हाथ बनाए रखना। बेटी रीना ने बताया कैसे कैसे संघर्ष करना पड़ता है, कितनी कितनी कठिनाई होती है, और संघर्ष तो आदमी कर ले, लेकिन साथ के साथ उसको बाकी पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा आपके सामने रखा है। अच्छा, तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अनूप कुंडू से आए और 2 शब्द ये भी अपने बोलें। पहले तो मेरे अपने गांव बाढ़ के जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे चाचा जी नमस्ते सबको, अनिल भाई और युवा साथी, मेरा गांव किनाला है और मैं पत्रकार हूं। लगभग 15 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। तो पहले तो हमने एवरेस्ट के बारे में जानकारी इसलिए थी कि हमारे फरीदपुर गांव की वो लड़की एवरेस्ट पे गई हुई थी। तो इस दौरान अभी 2-1 महीने पहले उकलाना के अंदर एक कार्यक्रम था, एक बैंक, प्राइवेट बैंक का उद्घाटन था, उस दिन रीना गई हुई थी वहाँ पे, और रीना से मुलाकात हुई। पत्रकारिता के नाते इसने बताया भी मैं बाढ़ की हूँ, मैं क्या भाई बाढ़ किनाला पावड़ा एक ही गांव है कोई सारे आपसरी में, तो उससे बहाने खबर खबर लगाने लगी। तो इसने बताया भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है पैसे की दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या भाई देखो इतना सहयोग तो हम कर सकते हैं कि स्कूल हैं, सरपंच हैं, जान पहचान के पत्रकारिता के नाते जो भी होता है, हमने कहीं से 10,000, कहीं से 5,000, कहीं से 20,000 जो भी बन पड़ रहा था, हम इसके सहयोग में लग गए। उसी दौरान फिर हमने डॉक्टर राजेश रेड्डू मिले अपने, उनसे बात की, और फिर अनिल भाई साहब से बात होगी। तो तमाम करते करते फिर आप लोगों के बीच में आज ये विषय आ गया। कल भी हम गुड़गांव थे और अनिल भाई साहब के साथी हैं वहाँ पे डॉक्टर्स, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग और आशीर्वाद इस गुड़िया को भी दिया। और अनिल ने तो अब ये कह दिया था कि बेगाम का मामला आ गया है, परिवार का मामला आ गया है, निश्चिंत हो जाए तो तेरी प्रैक्टिस पे ध्यान दे और तेरे खाने पीने की फिटनेस पे ध्यान दे, बाकी गाम राम हो, यह जी आप सबने बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी लड़की है अपने गाँव की, जिसने पूरे भारत में एक ऐसी लड़की है जिसने माउंट एलब्रेस्ट किया है, 3-3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अपने हरियाणा में इसके नाम है। बहुत अच्छा काम अपने गांव की तरफ से इस बेटी ने कर रखा है,
और अब ये जो दो कट्ठी चोटियां करने जा रही हैं धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट, तो उसमें करीबन 40-45 लाख रुपए का खर्चा है। तो उसमें से कुछ तो इसने पहले गई थी वापस आना पड़ गया, इसके सिर पे कर्जा था बता रही थी जैसे, और अब लागलू के आप लोगों ने जो सर जोड़ लिया है तो कोई मुश्किल को नहीं है, तो धर्म नगरी है वैसे भी 40-50 लाख तो के जरूरत से करोड़ों इकट्ठे हो जाओ। और अनिल भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, देखो टीम ने तो आपको नहीं इकट्ठा किया है, पूरी टीम ने ये तो दादे हैं जी। तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ सर कि जैसे देखो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। अब मनोज है, मनोज के साथ तो हमारा पुराना नाता है, भाई है, ताऊ चाचा के पास यहाँ भी आते हैं हम। अगर ऐसा होता कि एक एक आदमी के पास जाना पड़ रहा तो जाते, लेकिन ये मिले फिर इन्होंने सारे साथियों को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके इनको दो चार सुननी भी पड़ गई होगी, भाई ये था वो था उसके लिए भी, लेकिन उन तमाम चीज़ों को भूल करके हो सकता है हम इतना सहयोग नहीं कर पाते। हम तो भाग दौड़ के भी करते तो 2-4-5 लाख रुपये का इधर उधर से सहयोग करवा पाते, वो भी 5 लाख का करवाने के लिए भी मन कर 500 लोगों के पास जाना पड़ता, क्योंकि इतना तो है नहीं। फिर 100% भी पूछे जाते कि भाई क्यों जा रही है, पहले क्या किया था, लेकिन अब आप लोगों के बीच में आ गई है। मैं तो सारे युवा शक्ति जो भाई अनिल की पूरी टीम और आप लोग और सारे जो चाचे ताऊ दादे, यही नाता है मेरा आप लोगों के साथ, आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से, और मैं तो रीना से भी यही कहता हूँ कि पूरे गांव ने आज आपको इतना मान सम्मान प्यार दिया, हमेशा इसको बनाए रखना, बड़े बुजुर्गों की पगड़ी का ख्याल रखना, अपने गांव का नाम हमेशा रोशन करना, और जाने कि इस धर्म नगरी को पूरे देश में ये जाने कि भाई हाँ बालक गांव हमारा है और वहां की ये लड़की इतना अच्छा काम कर रही है। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई कुंडू का इन्होंने मेहनत भी खूब की है और लग भी रहे हैं और साथ साथ लगते भी रहेंगे, बहुत बहुत इनका भी धन्यवाद। इसके साथ ही कोई और साथी अगर बोलना चाहता है, कोई भी बुजुर्ग कोई भी, तो इस बारे में तो ठीक है, वो तो कराएंगे फिर। तो अब मैं फिर से इस बेटी को गांव की तरफ से कहता हूं कि पूरे गांव का आशीर्वाद है, पूरा गांव आपके साथ है, किसी तरह की कठिनाई आपको नहीं आने दी जाएगी, और आप जी जान से मेहनत करके अपना पूरा तैयारी करके और अपने लक्ष्य पर पहुंचो, भगवान से भी हम यही दुआ करते हैं। इसके साथ ही जो थोड़ा बहुत आज बन पाया है उसमें इस प्रकार से है, 1 लाख रुपए नफे सिंह स्नो मोहनलाल, 51,000 रुपये पूर्व सरपंच श्री फतेह सिंह परिवार, 51,000 रुपये डॉक्टर राजेश जो बरवाड़ा बैठे हैं, वुमन डॉक्टर हैं जो अपने, और 1,21,000 रुपये जो है एक पूरे संगठन की तरफ से दिया गया है, संगठन है अपना। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गुड़िया को एक शाल की ओर भेंट की जाए। मास्टर जी तो अब यहाँ इकट्ठे हुए इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी सबको। ये जो गुड़िया है रीना भट्टी बाल गांव की, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें खुशी महसूस हो रही है कि ये हमारे गांव का नाम रोशन कर रही है, हम तन मन धन से इसके साथ हैं, धन्यवाद। चली है बढ़िया है और सुतरे सुतरे काम करेगी, सुतरी रहेगी, हैं बढ़िया निपोती है। नमस्कार सभी को, और ये हमारी बड़ी बहन है, हमें इसे मोटिवेशन मिलती है, इसने ये इतना बड़ा काम किया है और जो आने वाली पीढ़ी है ये भी सीखेंगी इनसे कुछ। आज रीना भट्टी के सम्मान में और सहयोग के लिए गांव बाड़क के मौजूद जनों के बीच में आज विस्तार से चर्चा हुई, तो सबने चर्चा के बाद फैसला लिया कि रीना को गांव में सबके बीच में बुलाया जाए, और आज पूरे गांव की तरफ से रीना का सम्मान किया गया, उनकी आर्थिक मदद का भरोसा पूरे गाँव की तरफ से दिया गया,
और जितना जिससे संभव हुआ। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि बता के उसका कम करना है, अगर मैं एग्जैक्ट ये बता दूँ कि इतना हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पूरे गांव की तरफ से इतना हो गया कि उसकी जो राह में जो आर्थिक स्थिति की जो संकट की स्थिति थी उसकी कोई आज रीना के पास कमी नहीं है। अब रीना को स्वयं अपनी शारीरिक मेहनत करके गांव का नाम रोशन करना है, हल्के का नाम रोशन करना है, हल्के का करना है, देश का करना है, प्रदेश का करना है, पूरे विश्व में रीना अब अपने मिशन में आर्थिक जो स्थिति थी उसको दूर करते हुए रीना का सिर्फ एक ही टारगेट रह गया कि चोटी पे जाए और फतेह करे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ये हमारे गांव की बेटी बलवान की पुत्री ने बहुत एवरेस्ट की चोटी के लिए बहुत मेहनत कर रखी है, इसके लिए हम इसके बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारा गाँव पूरी तरह से इस लड़की के साथ खड़ा हुआ है। जो भी हमारे गाँव से आर्थिक मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं, और हम इसको पूरा जहाँ पर भी जितना भी कितनी भी चोटी पर जाए हम इसको पूरा सहयोग से पूरा साथ देंगे, और हम इसके साथ तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसका बालक की बेटी रीना, जिसे कि हिमपुत्री के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है, बहुत ही गरीब परिवार से उठ के आज उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगर अतिशोक्ति ना हो तो इस गुड़िया को विश्व विजेता भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिसने माउंट एवरेस्ट को जीत लिया उसने हिमालय को जीत लिया, और जिसने हिमालय को जीत लिया इसका मतलब उसने विश्व को ही जीत लिया। तो विश्व विजेता लड़की हमारे गांव में है, ये हमारे लिए बड़ा गर्व और गौरव की बात है। तो इस बिटिया के लिए, इस लड़की के लिए फिर से पुनः पुनः पूरे गांव की तरफ से पूरा सहयोग है, पूरा आशीर्वाद है, और बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद भाई। पूरे गाँव का सहयोग जा रही है, थोड़ी और ऊपरा में बधे पूरे भारत का हरियाणा का नाम चल रहा है। हमने बहुत सबने तैयारी लागे है, पूरे गांव की लड़की है, एक बलवान मिस्त्री की नहीं है, पूरे गांव की लड़की है, और पूरा गांव इसका साथ देगा। हरियाणा भारत सब में नाम चल रहा है, इतनी ऊँचा चल रही थोड़ी, हम बहुत खुशी हमने। लड़की ने गांव का नाम बड़ा कर दिया, सारा गांव सब तैयार से, जो गांव की मदद होगी, जो गुड़िया ने सारा गांव साहस है गांव की लड़की, और सारा गांव राजी है इस बात। बहुत बढ़िया। देखिए पहली बात, ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत कम हैं, ठीक है, और आगे भगवान की दास है जो इसने आज सहयोग की इच्छा जताई लड़की ने, जो आर्थिक सहायता के रूप में, तो गांव में बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहूगा, और परमात्मा से कामना करा मैं आपके इस मिशन में कामयाब हो। अच्छा रहा। और जो रीना बहन है ये हमारे गाँव के लिए बहुत अच्छा सितारा है, और आगे अब भी चमक रहा है और आगे भी चमकेगा, और गाँव पूरी तरह से इसके साथ है, आज भी साथ है और कल भी साथ रहेगा। जो भी इसको जरूरत पड़ेगी गांव इसके सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा, चाहे कुछ भी हो गांव इसके साथ है और साथ रहेगा। धन्यवाद। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों ने गुड़िया को आशीर्वाद दिया, और हम कामना करते हैं गुड़िया ऐसी सफल हो, हम गुड़िया के साथ हैं। बड़े गर्व की बात है कि बेटियाँ हमारे देश का बालक का नाम ऊँचा करने जा रही है, बड़ी खुशी है, और सभी बुजुर्ग समाज पूरा गाँव पूरी मदद के लिए तैयार है। पैसे की जो कमी आई थी बुढ़िया के, वैसे खेलने में अच्छी थी, जो आर्थिक तंगी पिता की वजह से थी वो पूरा गांव का होगा, कोई कमी रहने देने के अच्छे, हमें उम्मीद करते हैं परम पिता परमात्मा से बेटिया को सफल होए और हमें भी खुशी हो। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम ये था जी, हमारे गाँव की बेटी है रीना भाटी, पूरा परिवार खुश है, पूरे गाँव में खुशी की लहर है। हमारी बेटी दो जो चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट और एक धौलागिरी, दोनों को कवर करने जा रही है। बड़ी खुशी है, हमारी शुभकामनाएं बेटी के साथ हैं, बहन के साथ हैं, कि वो विजयी होकर आए और आगे इसी तरह बढ़ती रहे, और बच्चों को भी हौसला अफजाई हो। हमारे जो बच्चे देख के सीख रहे हैं, कल भी मैं स्कूल में गया था, बच्चे पूछ रहे थे मिला जी रीना कौन है, ये क्या चला हुआ है जो आपके गाँव में चर्चा चल रही है। माँ जी रीना भाटी हमारी बेटी है, बहन है, वो ये माउंटेनियर है, पर्वतारोहण करती है, और बड़ी बड़ी चोटियों को उन्होंने क्लेम किया है। एक तो वो चोटी बता रहे थे, कौन सी नाम उसका ध्यान यार, एल्प्रेस चोटी है, जो इंडिया में किसी ने कवर नहीं की है, मेल कैटेगरी में और फीमेल में दोनों में हमारी बहन ने उसको कवर किया। इसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और आशा करते हैं आगे भी इसी तरह बढ़ती रहे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है।